पाठ बीस अपठित अपठित अर्थात बिना पढ़ा हुआ अपठित गद्यांश विद्यार्थियों में साहित्य का अर्थ तथा भाव बोध कराने में सहायक होते हैं इनकी अभ्यास से छात्रों की बुद्धि विकसित होती है अपटित गद्यांश का उत्तर देते समय छात्रों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए क गद्यांश को दो तीन बार अत्यंत सावधानी से पढ़ना चाहिए ख दिए गए प्रश्न में सही विकल्पों का चयन करके उनके सामने सही का निशान लगाना चाहिए ग उत्तर सही विकल्प के द्वारा ही देना चाहिए उसमें अनावश्यक बातों का समावेश नहीं होना चाहिए घर शीर्षक को संक्षिप्त और गद्यांश पर आधारित होना चाहिए यहां कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं एक कंप्यूटर तेजी से बच्चों का खिलौना बनता जा रहा है जो खेलने अथवा कठिन पाठ पढ़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कंप्यूटर कंपनियों के आकर्षक विज्ञापनों से ऐसा प्रतीत होता है कि अगर आप अपने बच्चे को कंप्यूटर नहीं खरीदते तो आप अभिभावक के रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं इन विज्ञापनों के असर से अधिकांश अभिभावक बच्चों को कंप्यूटर खरीद देते हैं और अपने बच्चों को कंप्यूटर के सामने बैठा देखकर उन्हें अकथनीय गर्व होता है उन्हें विश्वास होता है कि बच्चे की शिक्षा और विकास के लिए उन्होंने बड़ा कदम उठाया है आधुनिक जीवन शैली के दबावों ने अभिभावकों की समक्ष अपनी संतानों को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने या मनोरंजन का समय नहीं छोड़ा है सॉफ्टवेयर से युक्त कंप्यूटर बच्चों को रचनात्मक कार्यों में लगाए रहता है उस समय और अधिक जब वे अकेले हों और उनके साथ खेलने वाला कोई भी न हो दो एक सेठ चंद्र वे अफीम खाते थे और उन्होंने अपने नौकर को भी यह लत लगा दी थी एक बार व्यापार के संबंध में दोनों शहर के लिए चल पड़े रास्ते में एक स्थान पर दोनों ने खाना खाया अफीम के नशे में याद नहीं रहा घोड़ा वही छोड़कर चलते बने शहर पहुंचे तो नशा कम हुआ एक स्थान पर बैठे तो पता चला कि घोड़ा रास्ते में ही छूट गया है फिर दोनों घोड़े की तलाश में लौटे पर इस बार अपनी अपनी पोटली कहीं भूल गए उसी में उनके सारे रुपए थे वापस जाकर देखा तो वहां घोड़ा न पाया तब पोटली की याद आई दोनों रोने लगे एक ग्रामीण स्त्री बोली तुम्हारी ही नहीं हर नशेबाज की यही हालत होती है नशे में स्मृति का ह्रास होता है और स्मृति का नाश बहुत से अनर्थों का कारण हो सकता है तीन दो बीच धरती की गोद में जा गिरे मिट्टी ने उन्हें ढक दिया दोनों रात में सुख की नींद सोए प्रातःकाल दोनों जागे तो एक के अंकुर फूट गए वह ऊपर उठने लगा यह देख छोटा बीज बोला भैया वहां बहुत है, लोग तुझे रोन डालेंगे मार डालेंगे बीज सब सुनता रहा और चुपचाप ऊपर उठता रहा धीरे धीरे धरती की परत पार कर ऊपर निकल आया और बाहर का सौंदर्य देखकर मुस्कुराने लगा सूर्य देवता ने धूप स्नान कराया और और पवन देव ने पंखा डुलाया। वर्षा आई, शीतल जल पिला गई। किसान आया और बिस्तर लगाकर चला गया बीच बढ़ता ही गया झूमता लहलहाता, फूलता और फलता हुआ बीच एक दिन परिपक्व अवस्था में जा पहुंचा जब इस संसार से विदा हुआ तो अपने जैसे असंख्य बीज छोड़कर हंसता और आत्मसंतोष का अनुभव कर रहा था मिट्टी के अंदर दबा बीज यह देखकर कर पछता रहा था भाई और संकीर्णता के कारण मैं जहां था वहाँ पड़ा रहा और मेरा भाई असंख्य गुनी समृद्धि पा गया आपने क्या सीखा निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों की उत्तर दो एक, एक बार किसी जंगल में कुछ खरगोश अपनी अपनी बताई गर्मी के दिन चारे का अभाव शिकारियों से रक्षा आदि अनेक दिक्कतों से वे दुखी थे फिर ब्रह्मा जी को भी उन्होंने कोसा कि उन्होंने इनको इतना असमर्थ बनाया कि किसी बड़े जानवर से लड़ नहीं सकते सींग भी नहीं दिए इतना छोटा भी बनाया यह हमारे साथ सरासर अन्याय है बहुत देर दुख का कहने के उपरांत बुजुर्ग खरगोश ने कहा ऐसा दुर्बल छीने से क्या लाभ चलो आत्महत्या करके सब दुखों से छुटकारा पाएं सब खरगोश सहमत हो गए और एक तालाब में डूबने के लिए चल दिए तालाब के किनारे बहुत मेंढक बैठे हुए थे वे उन्हें देखकर डरे और भागकर पानी में छिप गए तब एक समझदार खरगोश ने कहा मित्रों अब हमें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है जब हमसे दुर्बल जीव इस संसार में मौजूद हैं, जो हमें देखकर डरते हैं तो हमें यह अनुभव करना चाहिए कि हम भी बहुतों से श्रेष्ठ है अपने से छोटे और दुखी लोगों के साथ तुलना करने से संतोष प्राप्त होता है दो एक महात्मा ने किसी भक्त की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे सात दिन के लिए पारसमणी देकर कहा इसे छूने से लोहा सोना हो जाता है जितने सोने की जरूरत हो बना लो यह सात दिन बाद वापस ले ली जाएगी भक्त बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब मेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी पर वह था बड़ा कंजूस सस्ता लोहा बड़ी तादाद में ढूंढने लगा जिस दुकान पर वह गया वहां उसकी समझ में लोहा थोड़ा था और महंगा भी था बहुत सस्ता और बहुत बड़ा ढेर ढूंढने के लालच में वह कई नगरों में गया पर उसे कहीं संतोष न हुआ इसी भागदौड़ में सात दिन पूरे हो गए मणि वापस ले ली गई और वह रत्ती भर भी सोना प्राप्त न कर सका अधिक सयाने बनने वाले और अधिक कंजूस सदा खाटे में रहते हैं तीन बगदाद के संत जुनेद अपने एक शिष्य को और उसे ज्यादा प्यार करते थे शिष्यों ने शिकायत की यह पक्षपात क्यों होता है संत चुप हो गए कई दिनों बाद उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और सबके हाथों में एक एक चीटी देते हुए कहा इन्हें लेकर जाओ और ऐसी जगह मार कर आओ जहाँ कोई न देख रहा हो शिष्य गए और ऐसे ही कहीं छिप कर अपना काम पूरा करके आए परंतु वह प्रिय शिष्य उस जीव को ज्यो का त्यों वापस ले आया और कहा ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ अल्लाह न देखता हो जुनैद ने कहा तुम लोगों में से यह एक है जो ईमान और अल्लाह को पहचानता है ऐसे ही लोग हैं जिन पर खुदा की रहमत बरसेगी ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वालों से पाप कर्म नहीं हो पाते